रविवार की शाम को नगर के विद्यापीठ चौराहे के निकट स्थित परशुराम पार्क में श्री राधा कृष्ण हरि नाम संकीर्तन ट्रस्ट के तत्वाधान में विगत दिनों हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए भारत के पहले CDS विपिन रावत और अन्य सैनिकों के शहीद हो जाने पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में सर्वप्रथम शहीदों को स्मरण करते हुए हरिदासीय संप्रदाय के महंत मोहिनी बिहारी शरण महाराज, हनुमान टेकरी आश्रम के महंत दशरथ दास महाराज, वृंदावन मीडिया क्लब के अध्यक्ष सोनू देव द्विवेदी और ट्रस्ट के पदाधिकारियों व सदस्यों ने वृक्षारोपण कर नन्हे नन्हे पौधे रोपे। वहीं शहीद हुए सभी सैनिकों के लिए अतिथियों व ट्रस्ट के पदाधिकारियों सदस्यों के द्वारा मौन रखकर आत्मा की शांति की कामना की। ट्रस्ट है श्री राधा कृष्ण हरिनाम संकीर्तन ट्रस्ट, उसकी ओर से आज का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले अपने बीच अपने सैन्य प्रमुख CDS विपिन रावत जी नहीं रहे, एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए। उनकी ही स्मृति में आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया है परशुराम पार्क में। पहले तो वृक्षारोपण कार्यक्रम होगा, कुछ दीपदान का कार्यक्रम है। उनकी शहादत जो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि जहाँ अपने देश की सुरक्षा का बाहर जिन सैनिक और सैन्य प्रमुखों पर होता है और वो हमारे बीच नहीं रहे। श्री राधा कृष्ण हरिनाम संकीर्तन ट्रस्ट के द्वारा ब्रजमंडल के साधु संत और ब्रजवासियों के द्वारा उन्हें आज यहाँ पर दीपदान करके और उनके जितने भी लोगों की शहादत हुई है तो उनके नाम से यहाँ पेड़ लगाए जाएंगे परशुराम पार्क में। उन पेड़ों में हम जल देंगे, उन्हें वृक्ष बनाएंगे और लोगों को उस पेड़ों की याद दिलाएंगे। ये वो वीर हैं, वो सपूत हैं जो देश के लिए हमेशा तत्पर हमारे आगे सीमा के आगे सेना में रहते थे। ये प्रमुख जो हमारे रावत जी जो गए हैं तीनों सेना के, वो हमारे देश की बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि एक ऐसे जाबाज अफसरों को हमने जो खोया है वो हम लोग फिर दोबारा से शायद ही ये क्षति पूरी कर पाएंगे आज। और एक नित्या किशोरी का जो सम्मान भी किया जाएगा उनकी शहादत के ऊपर, जो गरीब महिला जो रोड पर बैठते हैं बच्चे उनको फुटपाथ पर उनको पढ़ाते हैं, तो देखिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।